यूपी के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा, यह मामला बेहद गंभीर और दुखद है। इसमें एक जवान बेटी की मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर कमेटी ने स्थानीय स्तर पर जांच की है। इसके बाद ही संजय गांधी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हर स्थिति में हम प्रदेश के सभी अस्पतालों को रेगुलराइज कर रहे हैं। जितने भी अस्पताल अवैध और लापरवाही से मरीजों को मौत के मुंह में धकेलने का काम करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ऐसी ही कार्रवाई पूरे प्रदेश के अस्पतालों में जारी रहेगी। बता दें कि हाल ही में अमेठी जिले के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही के चलते कोतवाली क्षेत्र मुसाफिरखाना के गांव राम शाहपुर निवासी अनुज शुक्ला की पत्नी दिव्या शुक्ला की मौत हो गई। वहीं इस मामले में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया, साथ ही सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर अस्पताल के कर्मचारी निलंबन वापस करने की मांग को लेकर लगातार विवाद खड़ा कर रहे हैं। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की घटना बहुत ही दुखद है। जवान बेटी की मौत हुई है। पूरी घटना की कमेटी ने स्थानीय स्तर पर जांच की है, उसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। हर स्थिति में हम प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। किसी भी ऐसे अस्पताल को जिसने अवैध ढंग से या लापरवाही पूर्वक मरीजों को जानबूझ करके असमय मौत में धकेला है, हम बख्शेंगे नहीं। हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहती है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार होती है।